नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक और हिमाकत की है, लेकिन सुरक्षा बलों के शौर्य और साहस के आगे उनकी कायरता साजिश जो है वो नाकाम साबित हुई है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने ट्रक में चिपकर आ रहे जैश ए मोहम्मद के 4 दहशतगर्दों को गुरुवार को मौत के घाट उतार दिया। और इस तरह सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। ये एनकाउंटर उस समय शुरू हुआ जब नगरोटा में टोल प्लाजा पर सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने एक ट्रक को चेकिंग के लिए रोका। असल में खुफिया इनपुट के बाद पुलिस ने नगरोटा इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी थी और हर नाके पर गाड़ियों की जबरदस्त चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सुबह 4:20 के आसपास कश्मीर की तरफ बढ़ रहे एक ट्रक को पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने चेकिंग के लिए रोका, लेकिन चेकिंग के दौरान रोकते ही ट्रक का ड्राइवर उतरकर भागने लगा। शक होने पर इसके बाद सुरक्षा बलों ने जब ट्रक की चेकिंग की तो उसमें छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद आतंकी जंगल की तरफ भागे। सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों को उनको पीछा किया और इस दरमियान जवाबी कार्रवाई की गई और जाबाज जवानों की तकरीबन 3 घंटे की कार्रवाई में चारों आतंकियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी से ट्रक में आग भी लग गई। इसमें भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि आतंकी कश्मीर के बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश में थे। जनाब, ये ना कोई 3:30 के करीब हमें फायरिंग की आवाज सुनाई दी, तो हम मंदिर ही थे, हमने शटर नहीं खोले वगैरह। हमारा ढाबा है इधर शर्मा जी का, वैष्णो ढाबा, तो नीचे हम सोए हुए थे तो आवाजें वगैरह आई, हमने शटर वगैरह नहीं खोले क्योंकि इधर देखे हमने जब सुबह 7 करीब शटर खोले हैं तो इधर पूरा रोड जाम कर दिया हुआ है, नाका लगा हुआ है पुलिसियों का, मतलब कि पूरा जाम किया हुआ है। किसी को बाइक पे भी नहीं जाने दे रहे हैं, ना कुछ पैदल जाने दे रहे हैं, ना कोई गाड़ी जाने दे रहे हैं। लोकल जो हमारे इधर के लोकल हैं उनको भी उन्होंने घर तक नहीं जाने दिया, जो आगे पीछे गए थे सुबह में वो उनको घर नहीं जाने दिया। सारा इधर पूरा जाम किया हुआ है इधर। तो मतलब कितना फायर हुआ जनाब? कोई 4-5 तक फायरिंग चलती रही है। अभी भी कोई आधा घंटा पहले फायरिंग हुई है, वही 5 ही है खाली, मतलब हुई है। तो अभी रामदीप सेंगर, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। सेंगर साहब, बहुत स्वागत है आपका एनवी न्यूज में। थैंक यू सुनील, थैंक यू वेरी मच। सेंगर साहब, इस पूरी कवायद को किस तरह से देखा जाए? देखिए, एक के बाद एक लगातार आतंकी गतिविधियां जो हैं वो पाकिस्तान की ओर से संचालित की जा रही हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी, उनके साहस, उनके शौर्य की वजह से एक बार फिर से नाकाम कर दी गई पाकिस्तान की ये नापाक हरकत। देखो सुनील, सबसे बड़ी बात ये है कि जब जब सर्दी का मौसम आता है और बर्फबारी पड़ने होती है तो पाकिस्तान को ये पता होता है कि अब रास्ते आने जाने के बंद हो जाएंगे, तो इन महीनों में वो हर साल घुसपैठियों को भेजने की कोशिश करता है। और इस समय पाकिस्तान की हालत भी खराब है, घुसपैठिए के तौर पे भेजना भी काफी मुश्किल हो रहा है कि सेना ने बॉर्डर को सील कर रखा है, फिर भी आए काहे बजाए वो कहीं ना कहीं से उनको घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। और ये उसकी पुरानी आदत है, पिछले 30-40 से ये लगातार हम देखते आ रहे हैं कि विंटर शुरू होने से पहले वो ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को अंदर घुसेड़ने की कोशिश करता है। लेकिन धारा 370 खत्म होने के बाद, 33 अल्फा खत्म होने के बाद, दोनों स्टेट को अलग करने के बाद स्थितियों में सुधार आया है जो कि उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि चाइना से हमारे संबंध खराब हैं और वो समझता है कि इस समय हिंदुस्तान चाइना बॉर्डर पर ज्यादा मुस्तैद है, तो हो सकता है कि इनकी सेना यहाँ पर वीकनेस मौजूद महसूस कर रही हो, तो उस हालत में वो घुसपैठियों को भेजता है। ये जो ट्रक वाला इंसिडेंट हुआ है उनको ये बता के भेजा जाता है कि तुमने अमुक दिन अमुक जगह ये कार्रवाई करनी है। सिविल ट्रक मिलेगा तो सिविल ट्रक पे कर देगा, फौजी ट्रक मिलेगा तो फौजी ट्रक पे कर देगा, नहीं तो आरोपी वाले पे कर देगा, नहीं तो कोई पार्टी लाइन पार्टी जा रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने अटैक करना होता है, ये उनको हिदायतें होती हैं। लेकिन जब आतंकवादी हमारे यहाँ घुसने लगा उस स्थिति में उनको मार गिराना ये हमारा बड़ा बड़ा श्रेय है और भारतीय सेना मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। जल्दी से जल्दी ये आतंकवादी हम खत्म कर देंगे। सुनील, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि देशवासियों को सेना पर गर्व होना चाहिए और साथ में विश्वास होना चाहिए कि जब तक सेना मौजूद है देश में कोई भी ऐसी घटना न तो घटेगी न ही हम घटने देंगे। रही बात आतंकवादियों की,
तो वो चूंकि मरने के लिए पैदा हुए हैं, मरने के लिए आते हैं और वो मारे जाएंगे। लेकिन मैं इस दिन आपके चैनल पे और कह रहा था कि इन सब बातों को सेना अपना काम कर रही, लेकिन काम अपना कौन नहीं कर रहा है? क्या कूटनीति वाले लोग अपना काम कर रहे हैं? क्या विदेश नीति आपकी सही है? क्या जो आपके दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं उनकी नीतियां ठीक है? उनको मिलिट्री पावर के साथ साथ कूटनीतिक पावर को भी बढ़ावा देना होगा, तब ये स्थितियां सामान्य हो सकती है। सुनील, हम हर तरह से कोशिश तो कर रहे हैं सेंगर साहब, हर मुमकिन तमाम कवायद की जा रही है, फिर चाहे रक्षा के क्षेत्र की बात हो या फिर बाकी अन्य क्षेत्रों में भी, हम लगातार ये देख रहे हैं कि एक और जहां पर रक्षा मंत्री पहुंचते हैं सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, उसके अलावा प्रधानमंत्री खुद जाते हैं, कहां चूक मानते हैं कि इस तरह की घुसपैठ, इस तरह का बड़ा असलाह बारूद ये सब भारत के अंदर दाखिल हो जाता है और ये लोग उसको अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं लेकर। सुनील, समझने की कोशिश करो, 3200 किलोमीटर की बॉर्डर पड़ता है आपका, 3200 किलोमीटर को कवर करना, एक एक इंच जमीन कवर नहीं की जा सकती है जी। आपने पाकिस्तान को विदेश नीति कूटनीति के माध्यम से मजबूर कर देना होगा कि ताकि इसको बंद करे जी। या हमसे कह दो हम अटैक करके 3 दिन में खत्म कर दें। दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, ऑप्शन ये होता है कि बातचीत के जरिए, राजनयिकों के जरिए, एम्बेसडर्स के जरिए आप इसको खत्म कराएं। अगर आप समझते हैं कि ये हमारी सारी नीतियां फेल हो रही हैं और इतने सालों से अगर कूटनीति कामयाब नहीं होती है, तो फिर दो ही तरीके होते हैं जो 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था जी। विकल्प यही बचता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दो बना दिए, अब विकल्प बचता है कि बलूचिस्तान, बलूचिस्तान और पाकिस्तान 3 कर दो। तो अभी इनको तोड़ना ही होगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब उनको लगे कि पनिशमेंट मिलने वाला है, तो ये फोन अपने आप बंद हो जाता है। अगर कोई शरारती बालक विद्यालय में लगातार वो काम उल्टा काम करे, तो प्रिंसिपल को डंडा उठाना पड़ता है जी। लेकिन लगता नहीं सेंगर साहब कि जो जो नागरिक भारत के हैं, जो आतंकी गतिविधियों में जो संलिप्त हैं, ये लोग खुद जो है इनको वहाँ के स्थानीय पुलिस के साथ साथ सेना उनको सर्च करे, और उनके परिवार जो बाद में फिर ये कह देते हैं कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, वो लोग पहले जब तक वो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं तब तक उनका खूब साथ देते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं तो वो परिवार ये कह देता है कि हमारा कोई इससे ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ऐसे में इन लोगों को पहले टारगेट किया जाए कि कहाँ कहाँ से कैसे इनपुट के तहत ये जैसे आतंकी या बाकी तमाम आतंकी संगठन हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो भारत में दहशत गर्द फैलाने का काम कर रहे हैं, ये हमारे युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, इस कड़ी को कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए किस तरह के और मिथक तैयार किए जाए? सेंगर साहब, पीओके में उनके कैंप चल रहे हैं, हम बार बार बताते हैं कि उनके इतने घुसपैठिए तैयार हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस का जहां तक सवाल है, मिलिट्री इंटेलिजेंस अपने समय समय पर देश को सूचित करती है, लेकिन मिलिट्री किसी भी एम्पावर कंट्री के ऊपर अटैक तो नहीं कर सकती अपनी मर्जी से। जहां तक सवाल मिलिट्री की ताकत का है, उसमें आपको सबको पता है कि हम किसी से कम नहीं, हम चाइना से और पाकिस्तान से दोनों फ्रंट में लड़ने की ताकत रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि विश्व पटल पर क्या स्थितियां ऐसी बनी हैं, बिल्कुल, जिससे पाकिस्तान नीचा देख सके, क्या लोग उसके समर्थन में नहीं खड़े हैं? बिल्कुल सेंगर साहब, जाहिर तौर पर ऐसी कूटनीतिक तमाम रणनीतियां बनानी होंगी जिससे कि बाकी अन्य तरीके से हम इन लोगों को धूल चटा सकें और उनको नीचा दिखा सकें, उनको बेनकाब कर सकें। हालांकि कई मौक़ों पर, कई मोर्चों पर ऐसा देखने को मिला भी है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। बहुत शुक्रिया सेंगर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई। इस बैठक में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के नेता भी शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस ने दिल्ली के बाजार बंद करने का विरोध किया, तो वहीं बीजेपी ने खराब मैनेजमेंट और अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाने का मुद्दा उठाया। बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने कहा कि बैठक में हमने कहा है कि दिल्ली सरकार को प्रोएक्टिव अप्रोच होकर काम करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। आज से 3 महीने पहले जब गृह मंत्री ने टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई थी, तब अगर ये इस चीज़ को लगातार करते तो आज दिल्ली में जो तीसरी लहर आई है उसमें जनता को परेशानी नहीं होती। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में ताज़ा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली के सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में अब केवल 9% ICU बेड वेंटिलेटर के साथ बचे हुए हैं, जो कि गंभीर बीमार वाले, जो बीमारी वाले रोगी हैं उनके लिए ही सेफ करके रखे गए हैं। गंभीर मरीजों के अलावा
मध्यम लक्षण वाले रोगियों को अस्पतालों में भर्ती होने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, तो वहीं गैर कोविड मरीजों के लिए तो राजधानी के अस्पताल में बेड पाना और भी मुश्किल हो गया है, जिससे स्थिति खराब होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अब मास्क नहीं पहनने पर 2,000 रुपये का जुर्माना ठोका जाएगा, ऐसा ऐलान मुख्यमंत्री ने कर दिया है। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि 500 रुपये का जुर्माना लगता था, लेकिन अब कई लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, इस वजह से इस जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 2,000 किया गया है। जहां जहां दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं, तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2,000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। दिल्ली लिए चलेंगे, राजीव तिवारी हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट आपके पास? ये बैठक रखी गई सर्वदलीय बैठक, इसमें सभी दलों के बड़े नेता शामिल हुए थे, क्या कुछ लब्बोलबाब निकल के आया सामने? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो कोरोना की स्थिति बढ़ती चली जा रही है, उसी को लेकर ही अरविंद केजरीवाल जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसके अंदर तमाम जितनी भी पार्टियां थी उनके तमाम जो नेता थे उनको इनवाइटेड किया गया था। और कहीं ना कहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से आदेश गुप्ता जी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, वो भी मौजूद थे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे अरविंद के कह सकते हैं अनिल चौधरी जी, वो भी इसके अंदर मौजूद थे और तमाम मुद्दे रखे गए। वही बात करें जिस तरीके से भाजपा की, तो भाजपा ने जो आदेश गुप्ता जी थे उन्होंने खराब जो अस्पताल की व्यवस्था है उनको भी दिल्ली सरकार के सामने रखा। वही बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं जो बाजारों की व्यवस्था है उसको लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी को सुझाव दिए हैं। मगर कहीं ना कहीं बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कोरोना के पेशेंट की जो गिनती है वो बढ़ती चली जा रही है, रफ्तार जो बढ़ रही है, उसका कारण कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी है। क्योंकि दिल्ली सरकार को भाजपा की तरफ से पहले भी कहा गया था कि इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और यहाँ तक की जो मास्क के यूज की दिक्कतें आई हैं वो भी कहीं ना कहीं गिनाई गई थी। और यहाँ तक की जो सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा, यानी ये कहा गया था कि बाजारों को इतना नहीं खोला जाना चाहिए और लोगों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए क्योंकि इससे कोरोना की स्थिति बिगड़ सकती है। मगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने उस टाइम पर गौर नहीं किया था। अब वही स्थिति बिल्कुल जाहिर तौर पर, हालांकि अपनी अपनी तरफ से हर एक राजनीतिक दल ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। देखना ये होगा कि दिल्ली में आखिरकार कोरोना के इन बढ़ते हुए मामलों पर कैसे रोक लगाई जाए। बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपये की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक,
और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे बिहार में। राजनीतिक जमीन पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का फोकस उन राज्यों पर है जहां पर अगले 1-2 साल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे पहले विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए बीजेपी की सबसे अधिक ऊर्जा इसी राज्य की ओर है। लेकिन चुनाव के नजरिए से बीजेपी की प्राथमिकता सूची में पंजाब भी शामिल है, जहां पर 2022 की पहली तिमाही में चुनाव होंगे। एनडीए में बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक रहे शिरोमणि अकाली दल ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में अलग राह पकड़ ली है। अब बीजेपी ने भी ऐलान किया है कि 1997 के बाद वो पहली बार पंजाब में बिना किसी
गठबंधन के खुद के बूते पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही पार्टी ने यह भी कहा कि ढाई दशक बाद 2022 में पहला मौका होगा जब पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। बीजेपी ने पंजाब विधानसभा के लिए अभी से बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने बताया कि जमीनी स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट करके राज्य के 23,000 मतदान केंद्रों पर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 19 नवंबर को पार्टी के 11 जिला कार्यालयों का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। साथ ही चुनावी तैयारियों का जायजा लेने और पार्टी कार्यकर्ताओं में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जोश भरने के लिए पंजाब का 3 दिवसीय दौरा भी जेपी नड्डा यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्दी ही करेंगे। विनीत हमारे सहयोगी फोनलाइन पर अधिक जानकारी के साथ मौजूद हैं। विनीत, आखिर कैसे गलेगी पंजाब में बीजेपी की दाल, क्योंकि बड़े स्तर पर आंदोलन चल रहा है किसानों का केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर। देखिए, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए इस वक्त पंजाब का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं सही जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ तो शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी का 22 साल पुराना नाता टूट चुका है और दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं की जम के जो खिलाफत है वो भी केंद्रीय कानूनों के विरोध में सामने आती नजर आ रही है। बीजेपी खेमे के कई नेता जो हैं वो बीजेपी का साथ छोड़ते हुए नजर आए हैं और किसानों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ किसानों की बात करें, लगातार बीजेपी नेताओं को काली झंडियां दिखाई जा रही हैं, बीजेपी नेताओं के घरों के बाहर धरना प्रदर्शन होते नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी जरूर दावा कर रही है कि 117 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और अपने दम पर बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ने का काम करेगी, लेकिन बीजेपी के पास फिलहाल ना तो इतना बड़ा कार्डर है कि पंजाब 117 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा जा सके और ना ही अभी तक उम्मीदवार जो है वो बीजेपी चयनित कर पाई है कि आखिर किस सीट पर कितने उम्मीदवार उतारे जाएंगे, क्योंकि बीजेपी फिलहाल पंजाब में पिछले काफी सालों से शिरोमणि अकाली दल के साथ ही कहीं ना कहीं संयुक्त रूप से चुनाव लड़ती नजर आई है। गठबंधन में चुनाव होता नजर आता था और ऐसे में अब अकेले लड़ने का जो बीजेपी का फैसला है ये बीजेपी को महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में जम के बीजेपी की यहाँ पर खिलाफत होती हुई नजर आ रही है। जी, लेकिन विनीत क्या माना जाए, क्योंकि बीजेपी जब जब चुनाव आते हैं और उसके पहले जो रणनीतियां तैयार करती है, हर जगह स्थिति ये देखी जा रही है राज्यों में कि जहां बीजेपी अपनी ज़मीन को मजबूत करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अख्तियार करती है, तमाम तरह की व्यवस्थाओं को लागू करके मतदाताओं के अपनी ओर रुझाने में कारगर भी साबित होती है, तो क्या माना जाए कि पंजाब में किस तरह का कार्ड खेल सकती है भाजपा? देखिए, सीधे तौर पर अगर इस तरह के कार्ड की बात करें तो ये कार्ड तब पंजाब में सफल माना जा सकता है अगर बीजेपी के पास सभी सीटों पर उम्मीदवार हो, बीजेपी के पास कोई चेहरा हो। लेकिन यहाँ पर पंजाब में बीजेपी के पास मुख्यमंत्री लेवल का चेहरा जो है वो फिलहाल नजर नहीं आता। हालांकि ये जरूर था कि नवजोत सिंह सिद्धू जब बीजेपी के साथ थे तब कहा जाता था कि सिद्धू जो है वो सीएम का उम्मीदवार बनके कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन अब सिद्धू का साथ भी बीजेपी के साथ नहीं है और ऐसे में सिख चेहरे के तौर पर किसको कहीं ना कहीं मतदान में या फिर सीएम चेहरे के तौर पर बीजेपी चुनाव मैदान में उतारती है, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या इन 2 सालों के अंदर बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से आ रही है जहां पर बीएसएफ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से बड़ी खबर, बीएसएफ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ओडिशा से रायपुर की ओर आ रहा था बीएसएफ का हेलीकॉप्टर, तकनीकी खराबी के चलते आपात लैंडिंग कराई गई है। ये बड़ी खबर, बीएसएफ का हेलीकॉप्टर गरियाबंद में आपात लैंडिंग इसकी कराई गई। ओडिशा से रायपुर की ओर जा रहा था बीएसएफ का हेलीकॉप्टर, तकनीकी खराबी आई और उसके बाद आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। हालांकि एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है, तकनीकी खराबी इस हेलीकॉप्टर में आ गई थी और उसके बाद इसकी आपात लैंडिंग कराई गई है। ओडिशा से रायपुर की ओर बीएसएफ का हेलीकॉप्टर मूव कर रहा था और इसी दरमियान इसमें आपको बता दें कि तकनीकी खराबी आई और एकाएक इसकी गरियाबंद में आपात लैंडिंग कराई गई है। ओडिशा से रायपुर की ओर जा रहा था बीएसएफ का हेलीकॉप्टर, तकनीकी खराबी के चलते आपात लैंडिंग कराई गई है। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपये की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।